वंदे मातरम नेटवर्क 10 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। और चलिए रुक करते हैं अब छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर, जहां छत्तीसगढ़ के बालोद में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लोगों की बुनियादी सुविधा से ज्यादा जिला प्रशासन में बैठे बड़े अधिकारियों और ठेकेदारों के लिए कमाई का जरिया बन गया। ठेकेदार LC कटरे कंस्ट्रक्शन कोरबा की ओर से घटिया और दोयम दर्ज के निर्माण पर नीचे से लेकर के बड़े अधिकारी तक मलाई खा रहे हैं। वहीं सड़कों के निर्माण में गुणवत्ता से समझौता कर जमकर भ्रष्टाचार किया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिला बीजापुर में बड़ी नक्सली वारदात की घटना सामने आई। नक्सलियों ने जवानों को निशाना बना करके दरभा कैंप में फायरिंग की। देर रात करीब 11 बजे नक्सलियों ने यह हमला किया। मुठभेड़ में 4 जवानों के घायल होने की खबर है। 2 घायल जवानों को रायपुर रेफर किया गया, जबकि 2 जवानों का बीजापुर जिला अस्पताल में ही इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि नक्सलियों ने बड़ी साजिश के तहत दरभा कैंप पर हमला किया, जहां नक्सलियों ने कैंप के ऊपर VGL दागे। जवानों ने भी मोर्चा संभाला और ताबड़तोड़ फायरिंग कर नक्सलियों की हालत खराब कर दी। वहीं बिलासपुर में मंगलसूत्र और लॉकेट चोरी करने वाले गिरोह का कोतवाली पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस गिरोह की 7 महिलाओं को गिरफ्तार किया। दरअसल हनुमान जयंती के दिन एक मंदिर में दर्शन के दौरान महिला का मंगलसूत्र चोरी कर लिया गया था। इसी की रिपोर्ट महिला ने दर्ज करवाई थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच की और टीम गठित कर दी। इस टीम को जानकारी मिली थी कि कुछ महिलाएं चोरी के मंगलसूत्र को बेचने के लिए ग्राहक तलाश रही हैं, जिसके बाद पुलिस ने महिलाओं को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस महिलाओं से पूछताछ करने में जुटी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से विभिन्न विभागों के कामकाज की समीक्षा का दौर आज से प्रारंभ हुआ, जिसके तहत मुख्यमंत्री निवास से विभिन्न विभागों के कामकाज की समीक्षा की गई। वहीं बैठक में नगरीय प्रशासन और विकास मंत्री डॉक्टर शिवकुमार डहरिया, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। वहीं कोंडागांव जिला मुख्यालय के NCC ग्राउंड में आयुष्मान भारत हेल्थ मेले का आयोजन किया गया। उल्लेखनीय है कि स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन के तत्वाधान में आयोजित इस शिविर में कुल 16 स्वास्थ्य स्टॉल्स लगाए गए हैं, जहां आयुष्मान कार्ड प्रदाय, डिजिटल स्वास्थ्य ID, निर्माण दंत चिकित्सक, राष्ट्रीय 6 उन्मूलन, एनीमिया, हड्डी रोग जैसी कई बीमारियों के संबंध में स्वास्थ्य जाँच और निःशुल्क परामर्श सुविधा उपलब्ध कराई गई है। 75वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर आज जिला स्तरीय स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है और इस शिविर में सभी तरह की बीमारियों का चेकअप हो रहा है और जो गंभीर बीमारियां हैं उनको अन्य तरह से या फिर जिला अस्पताल में या फिर अन्य जगह उनको शिफ्ट किया जाएगा और यह जिले के वासियों को उसका लाभ मिल सके, हम लोगों का प्रयास है, क्योंकि हर कोई चाहता है। जब जिला अस्पताल में जब इतनी महंगी जो मशीनें लगी हैं तो उस मशीनों का लाभ यहाँ के नागरिकों को मिल सके, वो हम लोगों का प्रयास। और चलिए अब रुक करते हैं मध्य प्रदेश की खबरों की ओर, जहाँ देवास कर ग्राम लोहारी में रहने वाले एक परिवार में जमीन के आपसी विवाद के चलते एक ही परिवार के 4 सदस्यों ने जहरीला पदार्थ खा लिया। जहरीला पदार्थ खाने के बाद 4 को इलाज के लिए शहर के निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहाँ इलाज के बाद 3 की स्थिति ठीक है, वहीं 1 की हालत गंभीर बताई जा रही है। दरअसल लोहारी गांव में रहने वाले पति पत्नी ने अपने 2 बच्चों के साथ जहरीला पदार्थ खाया। दरअसल सुनील का अपने पिता के साथ जमीन को लेकर के विवाद चल रहा था। लोहारी में सुनील मुकाती के द्वारा जानकारी दी गई है कि मेरे पिता रामेश्वर मुकाती द्वारा ग्राम लोहारी में स्थित 8 बीघा जमीन में से 3 बीघा जमीन बेची गई थी। उस 3 बीघा जमीन पर आज नकदी की कार्रवाई की जा रही थी। इसी दौरान सुनील, उसकी पत्नी सागरबाई, उसका बेटा चेतन और महिमा, बेटी महिमा, ये 4 लोग पहुँचे और अपने जो है सुनील द्वारा अपने पिता से पूछा गया कि जमीन क्यों बेची गई, कितने में बेची गई। तो इसके पिता द्वारा जो है वहाँ रामेश्वर द्वारा बोला गया कि जमीन मेरी है, मेरी इच्छा, मैं किसी को भी बेचूँ और कितने में बोले बेचूँ, तो कौन होता है बोलने वाला। तो इस पर इसके बेटे सुनील द्वारा कहा गया कि आप अगर जमीन बेच देंगे तो हम लोग क्या करेंगे, हम कैसे यहाँ पर रहन सहन खान पान करेंगे, तो या तो फिर हम कुछ खा पी लें
तो फिर इसके द्वारा इसके पिता के द्वारा कहा गया कि तुम्हारी जो इच्छा हो तुमको जो खाना पीना हो पालो और मेरी इच्छा में जमीन बेचूंगा। इस बात का विवाद होने पर सुनील द्वारा जो है कीटनाशक का इस्तेमाल किया। भोपाल में प्रदेश कांग्रेस की ओर से ओबीसी प्रकोष्ठ की बैठक हुई जहां प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ प्रदेश मुख्यालय पहुंचे। बताया जा रहा है कि 2023 में विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाई जाएगी। वहीं इस बैठक में अरुण यादव, अजय सिंह, सज्जन सिंह वर्मा, जीतू पटवारी शामिल रहे। हिंसा भारतीय जनता पार्टी का प्रायोजित करी हुई है। इन्होंने योजना बनाई है ध्यान मोड़ने की। आज आम जनता का ध्यान कैसे मोड़ा जाए महंगाई से, बेरोजगारी से, तो ध्यान मोड़ने के लिए इस प्रकार का वो उनका रवैया चल रहा है। बड़ी दुख की बात है। जैसे मैंने कहा, ये सब हमारे संस्कृति से की विपरीत है और इसमें केवल एक जिले को नहीं, केवल एक प्रदेश को नहीं, पर पूरे साजापुर के आजाद चौक में कांग्रेस के द्वारा नगर पालिका के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जहां नगर पालिका की ओर से कर शुल्क को लेकर के विरोध किया गया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने लगातार विरोध प्रदर्शन किया। वहीं विधायक प्रतिनिधि आशुतोष शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर पालिका के कर शुल्क कितने बढ़ दिए गए हैं कि आम आदमी का घर बनाने का सपना चूर चूर हो गया है। वहीं पहले मृत्यु प्रमाण पत्र का कोई पैसा नहीं लगता था, लेकिन अब मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए 50 रुपये शुल्क चुकाना पड़ेगा। नगर पालिका परिषद द्वारा जो जजिया कर वसूला जा रहा है आम जनता से, इस महंगाई के दौर में वैसे ही जनता काफ़ी परेशान है महंगाई से। खाने पीने की वस्तुओं के दाम आसमान छू रहे हैं, तो वहीं नगर पालिका ने एक और अपनी ओर से बड़ा जजिया कर वसूल कर लिया। इसके विरोध में ये हस्ताक्षर अभियान चल रहा है। ये ऐसा अभियान आपके कब तक चलते रहेंगे? ये जब तक वापस नहीं लेगी नगर पालिका परिषद, जब तक हम IPL मैच की शुरुआत के साथ ही IPL क्रिकेट मैच पर सट्टे का खेल जबलपुर में जोरों पर है। वहीं पुलिस की ओर से ऐसे सटोरियों पर कार्रवाई की जा रही है। मामला जबलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जहां मुखबिर से कोतवाली पुलिस को सूचना मिली। तिलक भूमि तिलैया विधासागर कॉम्प्लेक्स में राकेश जान और उज्जैन और उसके साथियों की ओर से एक मकान में IPL मैचों पर हार जीत का दाव लगाए जा रहे थे। वहीं मुखबिर की सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए कोतवाली थाना पुलिस ने राकेश जैन के मकान में दबिश दी, जहां राकेश जैन अपने एक 17 वर्षीय साथी के साथ सट्टे की बातचीत करते हुए मिला। वहीं पुलिस को मौके से लाखों का रजिस्टर मिला है। फिलहाल पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। की सूचना पर क्रिकेट के सट्टे की कार्रवाई की गई है। मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी कि राकेश जैन निवासी विद्यासागर अपार्टमेंट तिलक भूमि तिलैया में निवास करने वाला है। यह अपने घर पर अंदर IPL क्रिकेट का सट्टा चला रहा था। इस सूचना पर तस्दीकी की गई। रेड करने पर इसके घर से 9 मोबाइल, 1 LED लैपटॉप और करीब 21,000 रुपये नकद तथा सट्टे का रिकॉर्ड रिकवर किया गया है, जिसकी संपत्ति इसको जब्त किया जाकर आरोपी के विरुद्ध सट्टा एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। जबलपुर के एक छोटी ओमती निवासी एक युवक ने अभद्र टिप्पणी के मामले में गिरफ्तार किया है। दरअसल युवक ने मिमिक्री कर PM मोदी को देश के गृह मंत्री अमित शाह पर टिप्पणी करने वाले मैसेज को वायरल किया था। वहीं थाना प्रभारी SPS बघेल ने बताया कि युवक की ओर से एक वीडियो मैसेज बनाकर सोशल मीडिया में भेजा गया है। आज मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज और आया था, जिसमें आदिल अली निवासी छोटी उमती के द्वारा मिमिक्री माननीय गृहमंत्री जी, भारत सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी के विरुद्ध की गई थी। मिमिक्री के दौरान उसके द्वारा कुछ आपत्तिजनक बातें की गई जो अशोभनीय सुनने में खराब लगी और इससे विद्वेष की भावना पैदा होती है। हम लोगों को भी उसको देख के बहुत बुरा लगा। मैंने इसमें स्वतः अपनी तरफ से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की है और आरोपी आदिल अली को गिरफ्तार किया। सर, इनको कहाँ से पकड़ा गया है? ये छोटी
और यहां रुकते एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। और चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। जो खबर मंदसौर से है, जहां मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र में शराब ठेकेदारों की गुंडागर्दी का मामला सामने आया है, जिसमें शराब कंपनी के लोगों ने एक ढाबा संचालक के साथ न सिर्फ जमकर मारपीट की बल्कि वाहनों में तोड़फोड़ भी की। मामले में शिकायत के बाद नाहरगढ़ थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। घटनाक्रम के वायरल वीडियो में शराब कंपनी के लोग खुलेआम हाथों में लाठी डंडे लेकर हुड़दंग मचाते नजर आ रहे हैं। सोमवार को ढाबा संचालक के साथ सैकड़ों ग्रामीण एसपी के पास पहुंचे और मामले में उचित कार्रवाई की मांग की। देखिए, जब हम घर पर खाना खा रहे थे और मेरे पापा यहाँ ढाबे पे थे, उनके किसी के दोस्त के साथ बैठे हुए थे, और जब कोई दारू कंपनी गाड़ी आई संदीप ठेकेदार की, और पाँच सात जने उतरे उसमें से और बेस बाजी और गाड़ी गलौज करने लगे। और उसके बाद जब उन्होंने मेरी पूछा तो मेरे पापा ने मेरे को कॉल करके बुलाया कि तू ढाबे पे आया, कंपनी वाले बुला रहे दारू ठेके वाले। तो जब मैं यहाँ आया तो वो हाथापाई करने लगे। उसके बाद एक गाड़ी और एक काले कलर की स्कॉर्पियो गाड़ी थी, उसमें सात आठ जने हथियारबंद आलट और हाथियों लेके नीचे उतरे और हमारे साथ मारपीट चालू कर दी। छतरपुर के बिजावर में भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक की उपस्थिति में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राजा तालाब पर सफाई की और लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। वहीं दूसरी ओर नगर के सफाई कर्मियों को सम्मानित करते हुए अंग वस्त्र के साथ पुष्टाहार पहना करके श्रीफल के साथ सम्मानित किया। बहुत दिवस का आयोजन है जिसमें जो पुराने तालाब हैं, बावड़ी हैं और मंदिरों पर जाकर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी वहाँ पर स्वच्छता अभियान के माध्यम से और समाज को भी जोड़ने का काम, इसके साथ ही साथ जो हमारे सफाई कर्मी हैं उन सफाई कर्मियों का सम्मान करने का कार्यक्रम का आयोजन आज यहाँ पर बिजावर के तालाब में सभी कार्यकर्ताओं ने स्वच्छता अभियान में भाग लिया, जिसमें हमारे नगर पंचायत के सफाई कर्मियों ने भी इसमें अपना योगदान दिया और भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों के साथ ही साथ एडीएम महोदय, सीएमओ महोदय और काफी गणमान्य नागरिकों ने भी आकर अपना योगदान दिया। छतरपुर में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र राजनगर विकासखंड के मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर जिला कलेक्टर संदीप जीआर ने मेले में स्टॉल का निरीक्षण किया। ग्रामीण क्षेत्र से आए लोगों से शिविर में मिल रही स्वास्थ्य सुविधा के लिए जानकारी ली गई। कलेक्टर संदीप जीआर ने मशीन का इनॉग्रेशन किया, जिसे टीवी छह रोग और कई तरह की बीमारियों की जांच की जा सकती है। मौके पर सीएमएचओ विजय पथौरिया और बीएमओ डॉक्टर यशवंत बामोरिया मौजूद रहे। बृहद स्वास्थ्य मेला के विशिष्ट अतिथि खजुराहो सांसद बीडी शर्मा ने कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों और क्षेत्रीय लोगों को संबोधित किया। मध्य प्रदेश के नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश में एक बार फिर तीर्थ दर्शन योजना शुरू होने जा रही है। 19 अप्रैल को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तीर्थ दर्शन के लिए काशी विश्वनाथ जा रही ट्रेन को रानी कमलापति स्टेशन से रवाना करेंगे। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि ये बात कही है कि कमलनाथ सरकार ने तीर्थ दर्शन योजना बंद कर दी है, लेकिन ये योजना एक बार फिर शुरू की जा रही है। इस योजना का लाभ प्रदेश के लाखों लोगों को मिलेगा। देखिए, हमारी सरकार जब से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से नगरों के विकास को लेकर लगातार सरकार काम कर रही है। कांग्रेस के समय तो नगरीय निकायों में तनख्वाह भी नहीं बट पाती थी। हमारी सरकार आने के बाद नगरीय निकायों की वित्तीय स्थिति में हम लोगों ने सुधार किया। हम लोगों ने नगरीय निकायों के विकास के लिए बजट का प्रावधान किया और आज नगरों में चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से हो,
चाहे स्ट्रीट वेंडर योजना के माध्यम से हो, चाहे स्वच्छता मिशन के माध्यम से हो, चाहे अमृत योजना के माध्यम से हो, सभी तरह से नगरों के विकास के लिए सरकार लगातार राशि दे रही है। और आज भी हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी लगभग 1,000 करोड़ की राशि नगरीय निकायों में विकास कार्यों के लिए वन क्लिक से हस्तांतरित करेंगे, जिससे कि हमारे शहरों में जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति हो सके। इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।